दिवाली के शुभ अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये दिवाली पर्व जो हमारा खुशियों का पर्व है, इस पर्व को जो मिष्ठान का भी पर्व कहा जाता है, जैसे मीठा खाने से हम लोगों का मुंह मीठा होता है और मीठी आवाज़ निकलती है, तो ये बड़ा मीठेपन का भाईचारे का त्यौहार है। मैं दीपावली त्यौहार को सभी आगरा वासियों को, सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। इस त्यौहार को खुशियों से, अपनी अच्छी अच्छी इच्छाओं से इस त्यौहार को बनाएं, और ये त्यौहार एक हम लोगों को जोड़ने को सिखाता है। तो मैं सभी आगरा वासियों से पुनः फिर कहूँगा कि इस त्यौहार को बड़ी खुशियों से अपने परिवार के साथ मनाएं। इसी के साथ जय भीम, जय भारत। तो बनाना है खास तो चले आइए कोयल पेंट के पास। दीपावली पर दीवारों को सजाना है, कमरों को आकर्षित बनाना है, घर में मेहमान आए तो बोले कहाँ से कराया पेंट, कौन सा पेंट, कैसे चमक रही है दीवारें, वाह क्या खूबसूरत वॉलपेपर है, ये कर्टन कहाँ से लाए हो। ग्राहकों के लिए विश्वास का दूसरा नाम बन चुके कोयल पेंट ने 40 सालों में लाखों घर सजाए हैं, वो भी काफी कम दामों पर। तो जल्दी करें और सीधे चले आए कोयल पेंट, सुल्तानगंज की पुलिया, बाईपास रोड, आगरा पर। निदेशक मुरारी लाल कोयल, मोबाइल नंबर 9897135351। आगामी 2019 के चुनाव को ध्यान में रखकर कांग्रेस ने एक बार फिर अपने संगठन में फेरबदल किया है, लेकिन इस बात का ध्यान रखा गया है कि कहीं ना कहीं जो पुराने उनके कार्यकर्ता हैं वो नाराज ना हो जाएं। इसी मद्देनज़र हमारे साथ हैं प्रदेश के सचिव, कांग्रेस में रहे, एक बार फिर इन्हें जिम्मेदारी दी गई है, किस तरह की जिम्मेदारी दी गई है और इनकी क्या जिम्मेदारी रहेंगे पार्टी के प्रति, हम बात करते हैं मुरलीलाल गोयल जी से। मुरलीलाल गोयल जी, आपका स्वागत है। सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय राज बब्बर जी ने मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी में स्थान देकर आगरा शहर के लिए एक बहुत जो एक हमेशा अपेक्षाएं होती थी, जैसे कि निकाय चुनाव आ रहे हैं और निकाय चुनाव में हमेशा जो मेयर हमारे जो जीत कर जाते थे तो पब्लिक की अपेक्षाओं पर वो खरा नहीं उतरते थे, जिसकी वजह से शहर की जो दशा बिगड़ी हुई है, जो दुर्दशा है, उसको कहीं ना कहीं हेल्दी करने के लिए, कहीं ना कहीं पार्टी के हित में जो लोग काम करना चाहते हैं, शहर के हित में काम करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दी गई है और PCC से उनको अटैच किया गया है, जिससे उन तक सारी रिपोर्ट पहुंचा सके। तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो मुझे स्थान दिया है, उसका मुख्य कारण ये है कि आगरा शहर के अंदर ये इस बात को देखना कि निकाय चुनाव भी हो रहे हैं तो वार्डों में जाना और वार्डों में अच्छे कैंडिडेट, अच्छे प्रत्याशियों को चयन करके और उनको लड़ाने का काम, जिससे वो वहाँ मौजूदा वार्ड में लोगों की समस्याएं सुने, लोगों की पीड़ा को देखें, वहाँ नाली, खरंजे, सीवर की समस्याएं हैं, बहुत अनगिनत समस्याएं शहर के अंदर हैं। मुरलीलाल गोयल जी, जैसे कांग्रेस का एक विशेषता रही है कि पुराने कार्यकर्ताओं को वो पहले मौका देती है, तो क्या इस बार कितने पुराने कार्यकर्ता हैं जिनको मौका मिला है अपनी जिम्मेदारी निभाने का? कांग्रेस कमेटी में आगरा से 24 नामों को जगह दिए, स्थान दिया है, और उसमें कुछ पुराने हमारे वरिष्ठ कांग्रेस जन भी हैं। और ये भी बात ज़रूर कहूँगा कि हमारे वरिष्ठ कांग्रेस जनों की बहुत बड़ी भूमिका होती है इन सब चीज़ों में, बिना उसके संभव नहीं हो पाता, क्योंकि उनका पुराना अनुभव होता है, उस अनुभव के आधार पर यह सब चयन होता है। और ये चयन सिर्फ इसलिए किया गया और सारे समीकरणों को बैठा कर चयन किया गया, क्योंकि आने वाले समय में इधर निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव के बाद सीधा फिर लोकसभा चुनाव है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सबसे बड़ी बात यह है कि कार्यकर्ता को और पदाधिकारी को, PCC को विशेष करके इस बात के दिशा निर्देश दिए हैं कि वो लोगों का दिल जीते और लोगों की जो पीड़ा है उसको जानें, क्योंकि हर शहर के अंदर आज स्थिति जो है वो बहुत ख़राब है, बहुत विकराल है, हर व्यक्ति परेशान है और किसी ना किसी विषय पर वो पीड़ित है, तो वो जानने की बहुत ज़रूरत है, जिससे कि कांग्रेस जन को वहाँ उस वार्ड में स्थान मिले, अच्छा चेहरा हो, लोगों की सेवा कर सके और उस वार्ड में जीत कर आ सके। निकाय चुनाव में एक मजबूत स्थिति कांग्रेस की उभर कर आएगी, ये इस बात के लिए भी हम लोग सब मीटिंग और बैठक और अपने कार्यकर्ताओं को लगातार वार्डों में जाने के निर्देश दिए जा रहे हैं, और हमारी पूरी टीम, हम सब लोग स्वयं PCC के मेम्बरान
वार्डों में जाएंगे और ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ किस किस चीज़ की वहाँ समस्याएं हैं, उसको दूर कराने का भी हर संभव प्रयत्न करेंगे। पार्टी ने आपको किस पद से नवाजा गया इस बार, और जिस तरह से अब आगामी लोग निकाय चुनाव हैं उसमें मेयर की सीट भी इस बार जनरल हो गई है, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपकी हो जाएगी? अला कमान ने ये बड़ा विश्वास व्यक्त किया है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में PCC में स्थान देकर एक जिम्मेदारी ही सौंपी है, और वो जिम्मेदारी शहर की है, क्योंकि हम लोग सामाजिक कार्य करते हैं, हर व्यक्ति का दिल जीतना, हर व्यक्ति का प्यार पाना, क्योंकि शहर का कर्जा भी है मेरे ऊपर, वो कर्ज भी मैं सेवा के रूप में चुकाऊंगा। और अगर आला कमान का कोई मुझे निर्देश मिलता है, आदेश होता है, तो उस आदेश का भी पालन, चूँकि एक कार्यकर्ता हूँ तो पूरा पालन करूँगा, क्योंकि लोग शहर के लोग बड़ा प्यार करते हैं और इस बात का विश्वास भी जताते हैं, विश्वास भी है उनको कि जो मैं कहूँगा और इस शहर के लिए मैं तन मन से हर तरह से समर्पित रहा हूँ और रहूँगा, लोगों की सेवा करना ही मेरा एक उद्देश्य। मुरलीलाल गोयल जी पुराने कांग्रेस ही रहे हैं और एक बार फिर उन्हें जिम्मेदारी मिली गई है, और उनका कहना यह है कि पार्टी का मेरे पास कर्ज है और मैं उसे उतार के रहूँगा, कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूत करने के लिए वो तन मन धन से सहमत हैं, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी जो निकाय चुनाव होंगे, जो लोकसभा चुनाव होंगे, उसमें कांग्रेस पार्टी अपना कितना अपना वर्चस्व अपना पाएगी, कितना वर्चस्व बचा पाएगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन भगवान सिंह के साथ गीतम सिंह।